छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 78 नए संक्रमित मिले हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इनमें सबसे ज्यादा रायपुर में 19 मरीज मिले हैं। राज्य में एक्टिव केसेस बढ़ रहे हैं और 339 हो गए हैं। रायपुर की बात करें तो कोरोना के 111 एक्टिव केसेस रायपुर में है। इलाज के बाद 23 मरीज ठीक हो चुके हैं। पॉजिटिविटी रेट 1.07% है। जून के महीने में शुरुआत में कोरोना के 60 एक्टिव मरीज थे, यानी कि जिनका इलाज चल रहा था, और इसी महीने 17 दिन के अंदर अंदर मरीजों की संख्या अब 475 हो चुकी है। हालांकि इनमें करीब 136 मरीज ठीक हो चुके हैं। अंकुश हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अंकुश, फिलहाल जो कोरोना के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, उसकी रोकथाम के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? फिलहाल आपसे ये भी जानकारी लेना चाहेंगे और साथ ही साथ अभी जो एक्टिव केसेस वहां पर हैं, उनके बारे में भी अपडेट दीजिए। देखिए, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है और अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो करीब 7,320 सैंपलों की जांच हुई है, जिसमें 78 नए संक्रमित मरीज जो है वो सामने आए हैं। और अब चिंताजनक बात यह है कि जो पॉजिटिविटी दर है, जो शून्य से नीचे चल रही थी, वो अब 1% जो है वो पहुंच गई है और 1.07% पॉजिटिविटी दर है। और इलाज के बाद करीब 23 लोग ठीक हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव केसेस की अगर संख्या की बात करें तो करीब 339 संख्या ये पहुंच गई है। और रायपुर जो है वो धीरे धीरे कोरोना हॉटस्पॉट बनते जा रहा है, जहाँ पर पिछले 24 घंटों में 19 नए मरीज सामने आए हैं और उनको टोटल मिलाकर अगर देखा जाए तो रायपुर में करीब 111 एक्टिव केसेस हो गए हैं। लगातार इस महीने की अगर बात करें तो करीब 2 सप्ताह से संक्रमण की दर बढ़ रही है, जो एक चिंताजनक बात है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग जो है इस पूरे मामले में अलर्ट मोड पर है और जरूरी दिशा निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। जिला कलेक्टर की एक नई गाइडलाइन के हिसाब से अगर देखा जाए तो सार्वजनिक स्थान पर अब मास्क पहनना फिर से अनिवार्य किया गया है और भीड़ भाड़ भरे इलाकों से लोगों को बचने की सलाह दी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, उससे एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में चिंता बढ़ती दिख रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। खबर पर आप नजर रखिएगा और आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की संवेदनशीलता एक बार फिर से देखने को मिली है। ट्विटर पर मदद मांगने वाले युवक को सीएमओ हर संभव मदद का भरोसा दिया है। दरअसल रतन लाल यादव नाम के एक युवक ने ट्वीट किया और मुख्यमंत्री से 4 महीने के अपने बेटे के दिल के इलाज के लिए मदद मांगी थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा है कि बच्चे के इलाज की जिम्मेदारी अब छत्तीसगढ़ सरकार की है, आप निश्चिंत रहें, वर्तमान और भविष्य दोनों स्वस्थ और सुरक्षित हों, इसके लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस संबंध में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को दिए जरूरी प्रबंध के भी निर्देश दे दिए हैं। भोपाल से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जान से मारने की धमकी दी गई है। आपको बता दें कि सांसद को फोन करने वाले शख्स ने खुद को दाऊद इब्राहिम का भाई इकबाल कासकर का आदमी बताया है। फोन करने वाले ने यह कहा है कि तुम्हारी हत्या होने वाली है, इसलिए पहले से बता रहे हैं। धमकी भरा फोन आने के बाद सांसद की थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां पर प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो कि सांसद हैं, यहां से जान से मारने की धमकी इन्हें दी गई है। सांसद को फोन करने वाले शख्स ने खुद को दाऊद इब्राहिम का भाई इकबाल कासकर का आदमी बताया है। आपको बता दें कि फोन करने वाले ने यह कहा है कि तुम्हारी हत्या होने वाली है, इसलिए पहले से बता रहे हैं। ये धमकी भरा फोन आने के बाद सांसद की तरफ से थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये कॉल करने वाला शख्स कौन है। दाऊद इब्राहिम के भाई का आदमी खुद को वो बता रहा है, लेकिन फिलहाल ये जांच का पूरा मामला है। पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर जांच शुरू हो गई है। सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की तरफ से थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है, उन्हें धमकी भरे कॉल्स आए हैं।